मेरी दुकान नंबर 3 है सर, आपके सामने है। और हम लोग को मात्र 3 दिन का समय दिया गया था। अब मात्र 3 दिन के समय में हम क्या कर सकते हैं, आप स्वयं बता सकते हैं। इसके बदले में ना हमें कहीं जमीन दी जा रही है, ना कहीं हमको बताया जा रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको पीछे दिया जाएगा, किस बेसिस पर हम माने कि हमको दिया जाएगा। हमको कोई लिखित दिया जाए कि हम विश्वास करें कि हमको कहीं इसके बदले में जमीन या हमको दुकान दी जाएगी। ये नगर पालिका की दुकान है जी। अध्यक्ष अभी मिले, उन्होंने कहा कि कोई टूटेगा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होगी। और हमको तो नहीं समझ में रहा है कि अध्यक्ष जी मिले हैं कि सभी लोग मिले हुए हैं, और मात्र 3 दिन के समय में देखकर जो है दुकान छोड़। हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास यही जीविका का साधन है। और ये भी तोड़ दिया गया, ये भी 3 दिन के नोटिस के देने के बाद। हमारे पास और कोई साधन नहीं है, अन्यथा हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार है। रोड चौड़ीकरण होना था और जिसके परिप्रेक्ष्य में काफी दुकानें आगे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। इनको पूर्व में ही नोटिस दी जा चुकी है और लोगों ने अपने सामान जो है निकाल भी लिए हैं। लोगों के कहना कि नोटिस तो दिया 3 दिन का, हाँ, मौका भी नहीं मिला। हाँ, हम नगर पालिका की जमीन में किराया भी देते हैं, किराया देते, लेकिन चूंकि बाकी बाद में विचार किया जाएगा। अभी जो है खाली करा करके रोड चौड़ीकरण कार्य किया जाए, सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे पीछे जो खाली हो चुका है, केवल बीच में ही अतिक्रमण था।